हेलो एवरीवन, आम आकाश और वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। फिर से आप लोगों के लिए नया टॉपिक को लेकर आया हूँ, न्यूमोकोकस बैक्टीरिया। न्यूमोकोकस बैक्टीरिया होता क्या है, पैथोजेनिसिटी क्या होती है, क्या टॉक्सिसिटी होती है, क्या इसका एंटीजेनिक स्ट्रक्चर होता है, कैसे डिटेक्ट करते हैं, लैब डायग्नोसिस क्या होती है, क्या ट्रीटमेंट होता है, ये सारे टॉपिक सारी चीज़ें एक ही वीडियो में क्लियर करूँगा। मेरी वीडियो में हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में, फिर हिंदी में फिर इंग्लिश में, ऐसे मैं समझाते हुए चलता हूँ। आप मेरे चैनल को जाके विजिट जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री सारे सब्जेक्ट के नोट डले हुए, चाहे आप नर्सिंग हो, मेडिकल हो, बीएमएलटी, डीएमएलटी, पैरामेडिकल, बीपीटी, फिजियोथेरेपी, किसी भी चीज़ से आप बिलोंग करते हो मेडिकल फील्ड से, कॉलेज लेवल एग्जाम के लिए सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड नोट्स आपको मिल जाएंगे। आप चैनल विजिट जरूर कीजिएगा। देखते हैं न्यूमोकोकाई बैक्टीरिया यानी कि न्यूमोकोकस बैक्टीरिया होता क्या है। दे आर ग्राम पॉजिटिव कोकाई विच इज फाउंड ओवल इन शेप। देखो बोलता है न्यूमोकोकस, देखो दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक होता है हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक होता है हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। बट जो न्यूमोकोकस बैक्टीरिया ये कैसा है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, ठीक है। दे आर ग्राम पॉजिटिव कोकाई विच इज फाउंड इन ओवल शेप। ओवल यानी कि गोल गोल मिलते हैं हमें, ठीक है, हल्के से ओवल, ओवल थोड़े से चपटे होते हैं, ठीक है। ये ग्राम धनात्मक बैक्टीरिया होते हैं और इनकी संरचना गोल होती है, ओवल शेप में होते हैं, ठीक है। दे आर डिप्लोकोकाई बैक्टीरिया। सिंपल बात यह है कि ये डिप्लोकोकाई है। डिप्लोकोकाई का मतलब गोल तो है बट डिप्लो है, डबल, ऐसे डबल जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। डिप्लोकोकाई का मतलब याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ओवल शेप में तो होते हैं यानी कि डबल जुड़े होते हैं, ठीक है। डायग्राम देख लो ना आप एक बार, देखो ये डिप्लोकोकाई, एक कोकाई ये है, एक कोकाई ये है। जब ये दोनों कोकाई आपस में जुड़ जाते हैं तब ये डिप्लोकोकाई बना लेते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। दे आर डिप्लोकोकाई, यह डिप्लोकोकाई बैक्टीरिया रहते हैं, जब दो कोकस आपस में जुड़ते हैं तब ये डिप्लोकोकाई बनाते हैं। दो कोकाई बैक्टीरिया आपस में जुड़ गए तो डिप्लोकोकाई बन गया ना। इसका स्ट्रक्चर बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। दिस इज कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। कैप्सुलेटेड का मतलब होता है इनके ऊपर क्या पाया जाता है, कैप्सूल पाया जाता है। जरा डायग्राम देखो, इस बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल पाया जाता है। एक कोकाई बैक्टीरिया आपका ये रहा और एक कोकाई बैक्टीरिया ये रहा। जब इन दोनों कोकाई के ऊपर एक कवरिंग चढ़ गई गोल सी ओवल शेप में, तो इसको मैंने क्या बोला, डिप्लोकोकाई में कैप्सुलेटेड हो गया है। कैप्सुलेटेड का मतलब कैप्सूल लगा हुआ है इसमें ऊपर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी, इसका समझ में आ जाएगी चीज़ें आपको। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई आपको। नेक्स्ट पेज पे पढ़ता हूँ मैं आपको न्यूमोकोकस। निमोनिया जो कॉज करता है, निमोनिया के बारे में भी बताऊंगा, निमोनिया क्या होता है, उसके टाइप क्या होता है, सारी चीज़ें। दे आर नॉन मोटाइल बैक्टीरिया, नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया। नॉन मोटाइल और नॉन स्पोरिंग का मतलब क्या होता है, पहली वीडियो में भी बताया मैंने कि ऐसे बैक्टीरिया जो गति ना कर सकते। नॉन मोटाइल का मतलब होता है जो ऐसे बैक्टीरिया जो कि गति ना कर सकते उन्हें नॉन मोटाइल कहते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो कि मूवमेंट कर सकते हो, जो गति कर सकते हो, उन्हें मोटाइल बैक्टीरिया कहते हैं। स्पोरिंग मतलब स्पोर बना लेते हैं, वो अनफेवरेबल कंडीशन मिलती है तब पड़े रहते हैं, लाखों साल के बाद भी एक्टिवेट हो जाते हैं, स्पोर बना के बैठ जाते हैं वो, ठीक है। इट इज़ नॉर्मल साइज अप्रोक्सीमेटली 1 माइक्रोमीटर, 1.5 माइक्रोमीटर, 1.6 माइक्रोमीटर तक अप्रोक्सीमेटली साइज इसकी होती है। इसका आकार लगभग 1 माइक्रोमीटर तक होता है, क्लियर है। नेक्स्ट चीज देखिए इसमें, इट इज़ फैकल्टेटिव एरोबिक बैक्टीरिया या बैक्टीरिया फैकल्टेटिव एरोब होता है। एक फैकल्टेटिव का मतलब होता है जो कि, एरोब का मतलब होता है वह बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन पर निर्भर होते हैं उन्हें एरोबिक बैक्टीरिया कहा जाता है, और ऐसे बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन पर निर्भर नहीं होते हैं ऐसे बैक्टीरियाओं को एनारोबिक बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एरोबिक बैक्टीरिया और एनारोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। फिर से रिपीट कर लेते एक बार जरा, ये नॉन मोटाइल बैक्टीरिया, नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया होते हैं। इसके बाद मैंने देखा कि यह बैक्टीरिया में गति नहीं होती है, स्पोर्स भी नहीं बनते। नेक्स्ट चीज मैंने बताया, इट इज़ नॉर्मल साइज अप्रोक्सीमेटली 1 माइक्रोमीटर तक होते हैं। इसके बाद मैंने बोला आपको इट्स फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव एरोब का मतलब होता है कि यह बैक्टीरिया जो होते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्रो करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, नेक्स्ट चीज अब बताए एंटीजेनिक स्ट्रक्चर के ऊपर। एंटीजेनिक स्ट्रक्चर मतलब उसका हानिकारक शरीर, उसके शरीर में ऐसी क्या क्या क्वालिटी पाई जाती है जो कि हमारे शरीर के अंदर आने पर वो न्यूमोनिया कॉज करता है। देखो जरा, कैप्सूल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कैप्सूल ये होता है पॉलीसेकेराइड का बना होता है। देखो, दिस बैक्टीरिया हैज़ अ कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, इट इज़ इनहिबिट
फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब पहले भी बताया था, इस बैक्टीरिया के पास कैप्सूल पाया जाता है, वो कवरिंग जो ऊपर बताई ना मैंने कि बैक्टीरिया के चारों तरफ कवर लग जाता है, उसे कैप्सूल कहते हैं। इस कारण यह फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब पहली वीडियो में भी क्लियर किया था, इसका मतलब ये होता है कि जब बैक्टीरिया हमारे अंदर आएगा तो उसके ऊपर कैप्सूल है, तो हमारे बॉडी की जो सेल्स है ना, प्रोटेक्टिंग सेल्स, वो उसे खाएगी, मारती है, उसको खाने की प्रोसेस को फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। पर जो न्यूमोकोकस में फेगोसाइटोसिस होने ही नहीं देगा, मरेगा ही नहीं वो फेगोसाइटोसिस के थ्रू, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, कैप्सूल पाया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट चीज़ है पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर। पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर भी बैक्टीरिया के ऊपर पाई जाती है, ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर विच इज़ प्रोवाइडर रिजिडिटी टू द बैक्टीरिया। रिजिडिटी का मतलब होता है उसे हार्डनेस प्रोवाइड करती है। लेयर होते हैं पेप्टाइड मतलब बहुत सारे, ग्लाइकन मतलब ग्लूकोज के मोलिक्यूल। पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर को मजबूती प्रदान करते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर बैक्टीरिया को मजबूती प्रदान करती है, उसे हार्डनेस देती है वो, ठीक है, ताकि बैक्टीरिया इजिली डाई नहीं हो सके, उसके अंदर ऑस्मोटिक ब्रस्ट ना हो सके, बैक्टीरिया के अंदर पानी ना घुस सके, उसे प्रोटेक्ट करके रखते उसके डीएनए को, ठीक है। नेक्स्ट चीज, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक जरा, एंटीजेनिक स्ट्रक्चर का कैप्सूल होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होती है। आपका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा यहां पे। देखो अब आती है पैथोजेनेसिटी। पैथोजेनेसिस का मतलब यानी कि बीमारियां। अब देखो न्यूमोकोकस निमोनिया कोस करता है। अभी निमोनिया क्या होता है ये समझो आप अच्छे से, निमोनिया होता क्या है। निमोनिया इज अ इंफॉर्मेशन ऑफ पल्मोनरी, सॉरी ये इंफॉर्मेशन नहीं, ये होता है यहाँ पे, ये गलत हुआ है थोड़ा सा। निमोनिया इज अ इंफॉर्मेशन नहीं है, यहाँ पे आएगा आपको इन्फेक्टिव जो होता है पल्मोनरी इन्फेक्शन कॉज करता है, ये इन्फॉर्मेशन इन्फेक्शन है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं होता, या इन्फ्लामेशन इसे बोल सकते हैं, ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन हटा लीजिएगा, इन्फ्लामेशन होता है वो, ठीक है। तो निमोनिया इज अ इन्फ्लामेशन ऑफ पल्मोनरी डिसऑर्डर, ठीक है। निमोनिया एक श्वसन तंत्र से जुड़ी हुई बीमारी होती है। श्वसन में जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन करती है, आपके लंग्स की कैपेसिटी को कम कर देती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, उसे हम लोग निमोनिया कहते हैं। सांस में प्रॉब्लम होने लगेगी हमको, आगे बताता हूँ मैं आपको डिटेल से क्या क्या होगा इसमें सिम्टम्स में, ठीक है। ये क्लियर हो आपको, निमोनिया क्या होता है, ये होती है इन्फ्लामेटरी डिसीज होती है पल्मोनरी की। ड्यूरिंग द निमोनिया स्टार्ट द फॉर्मेशन ऑफ वाटर इन एल्वियोलाई। बोलना चाहता है निमोनिया होने पर हमारी एल्वियोलाई के अंदर पानी बनने लगता है और श्वसन करने में कठिनाई होती है। देखो जरा, ये रही आपका लंग्स। लंग्स के अंदर छोटी छोटी एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिन्हें एल्वियोलाई कहते हैं। मेरे चैनल में जाके आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी वाले लेक्चर में देखना, रेस्पिरेटरी सिस्टम डाला हुआ, वहाँ पे मैंने समझाया एल्वियोलाई के बारे में। एल्वियोलाई ये होती है, नॉर्मली ऐसी होती है, पर जब हमें निमोनिया होता है तो ये ऐसी हो जाती है। देखो पानी दिख रहा है अंदर आपको थोड़ा थोड़ा इस डायग्राम में, निमोनिया में इस टाइप से आपको वाटर फॉर्मेशन होने लगती है। नॉर्मली ऐसा रहता है बट इसमें वाटर फॉर्मेशन होने लगती है निमोनिया में, हमें सांस लेने में ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी और भी बहुत सारे सिम्टम दिखाई देते हैं। तो ड्यूरिंग द निमोनिया स्टार्ट द फॉर्मेशन ऑफ वाटर इन एल्वियोलाई। निमोनिया होने पर हमारी एल्वियोलाई के अंदर पानी बनने लगता है। एक स्क्रीनशॉट ले लो जरा पैथोजेनेसिटी में निमोनिया का, फिर निमोनिया में आगे बढ़ता हूँ, सारी चीज बताऊंगा इसका मैं आपको, स्ट्रक्चर क्या होता है बैक्टीरिया का सारी चीज, ठीक है, निमोनिया के टाइप क्या होता है, लेबर निमोनिया क्या होता है, सब बताने वाला हूँ मैं, ये चीज़ क्लियर हुई, आगे बढ़ता हूँ। अब देखो टाइप्स ऑफ निमोनिया, सबसे इंपॉर्टेंट, कितने प्रकार के निमोनिया होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं। सेगमेंटल निमोनिया सबसे पहले नंबर पर आया, सेगमेंटल निमोनिया याद रखना इंपॉर्टेंट है। सेगमेंटल निमोनिया क्या होता है, इट इज़ टाइप एनी वन साइड सेगमेंट आर इफेक्टेड। बोलना चाहता है इस प्रकार के निमोनिया में फेफड़ा का कोई एक भाग प्रभावित होता है। देखो जरा ये आपका लंग्स है, लंग्स के एक साइड, सपोज दैट ये आपका लेफ्ट साइड वाला राइट साइड साइड वाला लंग के इफेक्टेड हो गया। देखो यहां पे क्या हुआ, ये रेडनेस आ गई, इन्फ्लेमेशन हो गया, पानी बनने लग गया, ठीक है। इस जगह पे इन्फ्लेमेशन हुआ तो क्या हुआ, रेडनेस दिखाई दे रहा। अब हमको ये जब हम चेस्ट का सीटी स्कैन वगैरह या फिर हम एक्सरे करवाते तो धब्बे धब्बे दिखाई देते, तो अगर एक साइड पे ही दिखाई दे इसे बोलते हैं सेगमेंटल निमोनिया। सेगमेंटल मतलब किसी लंग्स के एक साइड वाले भाग में इन्फेक्शन हुआ है कहीं ना कहीं, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट ले लो सेगमेंटल निमोनिया का, आपको याद रहेगा कि सेगमेंटल निमोनिया में केवल एक ही साइड वाला लंग्स इफेक्टेड होता है। नेक्स्ट आता है आपका
बाइलेटरल निमोनिया, बाइलेटरल निमोनिया मतलब बोथ लोब सेगमेंट आर इफेक्टेड, बोलना चाहता है दोनों तरफ के फेफड़ों प्रभावित होते हैं। जरा डायग्राम देखो, इधर वाले लंग्स में भी इन्फेक्शन हो गया और इधर वाले में भी बैक्टीरिया आ गया, मतलब दोनों साइड इन्फेक्शन होने पर इसे बोलते हैं बाइलेटरल निमोनिया। एक था सेगमेंटल, सेगमेंटल निमोनिया में एक साइड वाले लंग्स इफेक्ट हुआ था, बाइलेटरल निमोनिया में दोनों साइड वाले लंग्स में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होता है, दोनों लंग्स में प्रॉब्लम आने लगते हैं। यहाँ पे क्लियर हुआ, इसको भी एक स्क्रीनशॉट ले लो आप बाइलेटरल निमोनिया का। बाइलेटरल निमोनिया के बाद आगे बढ़ते हम लोग, बाइलेटरल निमोनिया के बाद होता है लेबर निमोनिया, यह सबसे कॉमनली हम देख सकते हैं इसको। लेबर निमोनिया वन साइड लोब कंप्लीटली इफेक्टेड, बोलना चाहता है एक तरफ का लंग्स पूर्ण रूप से इफेक्टेड हो जाता है, इसे बोलते हैं लेबर निमोनिया। फेफड़े का एक तरफ का भाग पूर्ण रूप से प्रभावित हो जाता है। डायग्राम देखो, ये वन साइड वाला भाग है, इस साइड वाला भाग ना पूरी तरह से प्रभावित हो गया, पूर्ण रूप से प्रभावित हो गया, इसे मैंने क्या बोला वन साइड लेबर निमोनिया। जब एक साइड का पूरा फेफड़ा ही खराब हो जाए, पूरे लंग्स में इन्फेक्शन हो जाए, इसे बोलते हैं लेबर निमोनिया। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है। सेगमेंटल निमोनिया पढ़ाया, बाइलेटरल निमोनिया पढ़ाया, लेबर निमोनिया पढ़ाया। अब लेबर निमोनिया के बाद, लेबर निमोनिया के बाद देखो एक होता है ब्रोंको निमोनिया। ब्रोंको निमोनिया में बोलना चाहता है फॉर्मेशन ऑफ डॉट बोथ साइड ऑफ लोब, जब दोनों तरफ के फेफड़ों में छोटे छोटे धब्बे बनने लगे, ठीक है, ये वाले साइड में भी। और देखो डायग्राम देख लो आप, यहाँ पे ये वाले साइड में भी ऐसे धब्बे बन गए जगह जगह पे, इस वाले भाग में भी छोटे छोटे धब्बे, यानी कि जो एल्वियोलाई है वो इफेक्टेड हो गई, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, दोनों साइड के ब्रोंको निमोनिया में आपके दोनों साइड के लंग्स में धब्बे 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 जैसे बन जाते हैं, इसे ब्रोंको निमोनिया के नाम से जाना जाता है। एक बार ब्रोंको निमोनिया का भी स्क्रीनशॉट ले लो क्या होता है जल्दी से, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। यार वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो, अब मेरे चैनल पे जाके विजिट जरूर करना, आपको इजी से इजी लैंग्वेज में दोनों लैंग्वेज में नोट्स मिलेंगे आपको, विजिट जरूर करना, ठीक है। इसके बाद आता है लैब डायग्नोसिस, अब न्यूमोकोकस बैक्टीरिया को आप कैसे पता कर पाओगे, लेबोरेटरी डायग्नोसिस। सैंपल कलेक्शन, सैंपल कलेक्शन में क्या क्या ले सकते हो, स्पूटम, आप माउथ से स्पूटम जो कि लंग्स में इफेक्ट कर रहा था, माउथ स्पूटम, लेरिंगल स्वैब या ब्लड भी कलेक्ट कर सकते हो, ब्लड के बाद यूरिन आप ले सकते हो, CSF आप कलेक्ट कर सकते हो, प्लूरल फ्लूड भी आप ले सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट सैंपल्स होते हैं, याद रखिएगा, स्पूटनम, ब्लड, यूरिन, CSF, प्लूरल फ्लूड। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जरा, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से गाइस स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम लोग, अब आता है डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी, जो सैंपल कलेक्ट किया है उसको हम डायरेक्टली माइक्रोस्कोप में स्टडी करेंगे, ठीक है। प्रिपेयर अ स्मीयर बाय कलेक्टेड सैंपल एंड स्टेन स्लाइड बाय ग्राम स्टेनिंग सी अंडर माइक्रोस्कोप। कांच की एक स्लाइड ली जाती है, कांच की एक स्लाइड लो, जो सैंपल कलेक्ट करा है उसको निकालो, स्मीयर बना और माइक्रोस्कोप में देख लो, ठीक है, और उस ग्राम स्टेनिंग के द्वारा उसे माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। पर देखो, बाय द डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी बैक्टीरिया कैन नॉट ईजिली डिटेक्टेड, इट इज रिक्वायर अदर प्रोसेस, ये कल्चर भी करना पड़ेगा, बैक्टीरिया को हम डायरेक्टली माइक्रोस्कोप में नहीं देख पाएंगे क्योंकि वो पूर्ण रूप से मैच्योर नहीं होता। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी के द्वारा बैक्टीरिया को पूर्ण रूप से मतलब डेवलप नहीं होता, उसको नहीं देख सकते अच्छे से। आप एक ही बार डायरेक्ट माइक्रोस्कोप में से, ऐसा नहीं कि सैंपल निकाला डायरेक्ट माइक्रोस्कोप में देख लिया, बोल दिया गया इसको तो टीबी हो गया, इसको तो निमोनिया हो गया, नहीं, पहले उसका कल्चर करो, बैक्टीरिया को बड़ा करो, पूर्ण रूप से आप सेटिस्फाई हो जाओ कि हाँ ये इन्फेक्शन है, तभी आप पेशेंट को लिख कर दो, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ देखो, कल्चर प्रोसेस। अभी कल्चर क्या होता है, देखो हम जो होते हैं, हमारे लिए, हम जब ग्रो करते हैं तो हमको ग्रो डेवलप होने के लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, खाने पीने की, न्यूट्रिशन की। इसी टाइप से जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं उसको ग्रो करने के लिए रिक्वायर होती है कल्चर, यानी कि खाना पीना, उसे न्यूट्रिशन चाहिए, वो कल्चर एक प्रोसेस होती है, उसके द्वारा दिया जाता है। कल्चर इज़ अ प्रोसेस इन विच बैक्टीरिया आर ग्रो एंड मल्टीप्लाई। कल्चर एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें बैक्टीरिया बड़े होते हैं और साथ ही साथ अपने जैसे दूसरे बैक्टीरिया भी बनाते हैं, अपने जैसे कॉपी करते रहते, मल्टीप्लाई होते रहते बाइनरी फिजन के द्वारा। बाइनरी फिजन जानते हो क्या होता है, आप मेरे चैनल को विजिट करो, वहाँ पर डाला हुआ है।
आगे बढ़ता हूँ। फॉर कल्चरिंग ऑफ न्यूमोनिया बैक्टीरिया मेनी कल्चर मीडिया आर यूज। देखो अब हम लोग क्या करते हैं, खाने में हमको अलग अलग चीज़, कभी दाल रोटी चाहिए, कभी खिचड़ी चाहिए, कभी क्या चाहिए, अलग अलग चीज़ चाहिए होती है, इडली चाहिए, डोसा चाहिए, नाश्ता चाहिए, अलग अलग चीज़ रिक्वायर होती है। इसी टाइप से बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए अलग अलग बैक्टीरिया अलग अलग खाना पीना पसंद करते हैं। कोई बैक्टीरिया कुछ और खाता है, उसके अकॉर्डिंग जो न्यूमोकोकस जो बैक्टीरिया है उसके लिए हम बहुत सारे कल्चर मीडिया, बहुत सारे खाने पीने की चीज़ें यूज़ करते हैं। एक इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बढ़ के बताता हूँ आपको, ठीक है। अब देखो ब्लड अगार, जैसे कि हम लोग खिचड़ी पसंद करते हैं, इसी टाइप से ब्लड अगार होता है। ब्लड को जमा लिया जाता है, उसमें अगार अगार जिलेटिन होती है, जमा दिया जाता है, ठीक है। इस टाइप से बनता है आपका ब्लड अगार, कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इन दिस मीडिया कॉलोनी आर सीन स्मॉल एंड ऑल्सो सीन अल्फा हीमोलाइसिस। इसमें देखो हीमोलाइसिस क्या होता है, इस मीडिया में बैक्टीरिया की छोटी कॉलोनी बनती है, बिल्कुल छोटी छोटी कॉलोनी बनेगी और बैक्टीरिया ब्लड अगार मीडिया में अल्फा हीमोलाइसिस देता है। जरा डायग्राम देखो, ये रही आपका बीटा हीमोलाइसिस। जब बीटा बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी कॉलोनी दिखाई दे तो बीटा, और बिल्कुल अगर आपको आपको माइनर सी हीमोलाइसिस दिखाई दे रही इस तरह की तो ये अल्फा हीमोलाइसिस होता है। और ये न्यूमोनिया के बैक्टीरिया में इस तरह की कॉलोनी हमें माइक्रोस्कोप में, सॉरी नॉर्मली भी देख सकते हैं हम लोग, इसे नॉर्मली ऐसे दिखाई देगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं मैं यहां से। AST, अब हम लगाते हैं एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट। देखो बैक्टीरिया अब कोई ग्रो हुआ है तो उसके ऊपर कौन सी मेडिसिन ज़्यादा इफेक्टिव है वो पता लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके लिए AST लगाते हैं। AST टेस्ट यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ मेडिसिन अगेंस्ट अ बैक्टीरिया। ये अगर डिटेल से जानना है कि AST टेस्ट क्या होता है, आप मेरे चैनल को विजिट करके देख सकते हो वहाँ पे, ठीक है। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट का इस्तेमाल किसी भी प्रकार की दवाई की क्षमता पता लगाने के लिए किया जाता है कि कौन सी दवाई कितनी ज़्यादा इफेक्टिव होती है, इस तरफ से मेडिसिन लगा देते हैं और पता कर पाते। ट्रीटमेंट न्यूमोकोकस में क्या क्या ट्रीटमेंट देते हैं, पेनिसिलिन देते हैं पेशेंट को, क्लोक्सिसिलिन देते हैं, सेफ्लोक्सिन देते हैं और वेंकोमाइसिन देते हैं, क्लोरोहेक्साडाइन देते हैं। ये कुछ मेडिसिन होती है जो इफेक्टिव होती है कौन से बैक्टीरिया के लिए, न्यूमोकोकस बैक्टीरिया के लिए। क्लिंडामाइसिन वगैरह भी देते हैं और अदर एंटीबायोटिक स्पेशल भी चलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग यूर इंडियन मेडिकल लेक्चर। मेरे चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा, इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक करते हुए जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू वॉचिंग आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।